Welcome back. I am Mr. Manoj Kole. Today I will show it's a local LED TV 24 inch. इसमें यूज किया है BOE 24 इंच का पैनल. एट फर्स्ट इसको प्रॉब्लम क्या है वॉचिंग द वीडियो. नाउ I will start. सबसे पहले आपको प्रॉब्लम देखिए, बैकलाइट आ गया. देखिए स्लोली क्या सिचुएशन हो रहा है स्क्रीन में, देख सकते हैं. देखिए अच्छा से वॉच करिए, अच्छा से वॉच करिए क्या सिचुएशन होता है. Look at the TV and watching the video. After that, you thinking how to repair it. ये problem मैं कैसे repair करूंगा ये पूरा knowledge मैं share करूंगा. I will share this fault repairing knowledge. Okay. At first, check voltage. क्लियर आ रहा है ना. मीटर को दिखाइए. एट फर्स्ट चेक द वोल्टेज पैनल VCC. इधर देखिए आ रहा है. हाँ परफेक्ट है. डिस्टर्बेंस होता है. ठीक है चलिए. पैनल VCC 12 वोल्ट. 12 वोल्ट इज ओके. एट फर्स्ट सो द पैनल नंबर हियर HB236WHP-N00. तो ये जो पैनल है इस पैनल में साइड कॉफ है. BOE कंपनी का पैनल है, इसमें साइड कॉफ है. दिस पैनल इनसाइड द साइड कॉफ. आप पहली प्रॉब्लम देख लिया क्या प्रॉब्लम होता है. मैं इसको वोल्टेज मेजरमेंट करूंगा, मैं बताऊंगा क्या करता हूं. पैनल VCC इज ओके. यहाँ पर त्रिकोण प्रोसेसर जो यूज किया है 8861 त्रिकोण प्रोसेसर है. DC-to-DC IC जो यूज किया है 5562. देखिए यहाँ पर ABDD. सबसे पहले जो वोल्टेज मेजरमेंट करना चाहिए ABDD. एवरीडी वोल्टेज 14.95. दिस वोल्टेज इज ओके परफेक्ट. और देखिए VGL -7.92. VGL वोल्टेज इज ओके. ओके VGL वोल्टेज 7.9 वोल्ट इज ओके. और देखिए VDD जो 3.3 वोल्ट है, 3.3 नहीं है, VCOM है, सॉरी
भी कम, 3.3 वोल्ट यहाँ पर है, हेयर इज 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.289, 3.3 वोल्ट प्रोसेसर सप्लाई के लिए ये परफेक्ट है, भी कम वोल्टेज परफेक्ट है। देखिए तो वी जी एच वोल्टेज देखिए, वी जी एच कहाँ है, एक मिनट, वीजीएच वोल्टेज देखिए, वीजीएच वोल्टेज इज ओके 29 वोल्ट, तब भी मेरा जो स्केलर में पैनल को ड्राइव देने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ सही है। आपको प्रॉब्लम देख के मालूम होगा, आप समझता है ये इसमें साइट कॉब में कोई प्रॉब्लम है। मैं भी पहले सोचा था साइट कॉब का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं देखा साइट कॉब में कोई वोल्टेज मिसिंग नहीं है, वो परफेक्ट है। तो मैं क्या किया इसमें देखिए, ये जो 5562 जो आईसी है, इस आईसी में एक जो वीजीएच है, ये वीजीएच वोल्टेज यहाँ से इन होगा, फिर यहाँ से एक वीजीएच एम और वीजीएच सी, बहुत सारे नाम होता है, वो आउटपुट होगा। तो हुआ है क्या देखिए, वीजीएच में वोल्टेज है और वीजीएच एम जो है यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल होता है क्या, ए आईसी जो है 5562 ए आईसी खराब हो सकता है, और भी ए प्रोसेसर भी खराब हो सकता है, ठीक है, जो भी खराब हो सकता है, ए भी खराब हो सकता है, ए भी खराब हो सकता है, वो देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस सिचुएशन में मैं कैसे ये सेट रेडी करूंगा, यही मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्रिक्स। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, रुकिए, छोड़िए ना, एक मिनट, मैं चला मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। देखिए मैं इसमें एक मिनट छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक ट्रैक मैं काट दूंगा, यहाँ पर मैं एक ट्रैक है, वो ट्रैक मैं कटिंग किया है, यहाँ पर एक ट्रैक मैं कटिंग किया है, मैं इसको अगेन कनेक्ट द पावर, चलिए। तो अभी जो मैं दिखाऊंगा यही फाइनल टिप्स है, अब देखिए ये ट्रिक्स और टिप्स जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए। तो ये मैं बहुत रिसर्च करने के बाद, लेकिन आप समझ लीजिए ये भी खराब हो सकता है और ये भी खराब हो सकता है,
इसको देखना पड़ेगा कहाँ पर फॉल्ट है, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के बाद हो जाएगा तो सही है, लेकिन इसको चेंज करने के पहले कुछ वोल्टेज है वो मेजरमेंट करना होगा मीटर से और ऑसिलोस्कोप से, ऐसा हो सकता है। तो मैं कुछ नहीं चेंज करूँगा, आई डो नॉट चेंज एवरी आईसी, मैं इसको सेट रेडी करूँगा। देखिए वो मैं बताऊंगा कहाँ पर कहाँ क्या किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो VGH है यहाँ से मैं एक वायर कनेक्ट कर दिया, और देखिए यहाँ पर देखिए आप देख सकता है मैं क्या क्या कनेक्ट किया है। देखिए एक्चुअल होता है कि हाँ मैं इसका बारे एक वीडियो पहले अपलोड किया था। देखिए ये VGH से VGH-M यहाँ पर एक वायर मैं कनेक्ट कर दिया, जो VGH-M व्हाट इज़ VGH-M ये क्या है इसका बारे एक मैं वीडियो मैं अपलोड किया है, आप देख सकते हैं मेरा चैनल में वहाँ पर क्या फंक्शन है। यहाँ से GVOF ऐसा कोई सिग्नल आता है और VFLK ऐसा कोई सिग्नल आता है जो VGH को मॉड्यूलेट करने का बाद VGH-M नाम होता है, वही VGH-M को पैनल में जाता है। तो मैं इसको अगेन पावर कनेक्ट करता हूँ, देखिए पावर कनेक्ट किया, चलिए उधर जाइए दिखाइए इसको, देखिए डिस्प्ले आ गया, देखिए देखिए इसका रिमोट कहाँ है, देखिए सही डिस्प्ले आ गया ना। तो पहले जो इस पर आया था वो उसका जो क्रिस्टल है उसके लिए आया था, स्टार्ट हुआ था ना इसलिए। तो देखिए डिस्प्ले आ गया, देखिए डिस्प्ले सही डिस्प्ले आ गया, पिक्चर भी आ जाएगा, कोई बात नहीं पिक्चर आ जाएगा 100%। देखिए ऐसा डिस्प्ले आया है तो पिक्चर तो आएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपका पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीबॉडी, ओके गुड नाइट। मेरा अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये कोरोना के लिए सब कुछ बंद है, तो आप ये प्रोग्राम में अटेंड करना चाहता है इसमें कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी प्रोग्राम नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ ऑनलाइन में कुछ करूँगा नहीं करूँगा, मैं सोचता हूँ, ठीक है। चलिए ओके एवरीबॉडी गुड नाइट।